परम पूज्यवर साहिब जी, अर्चनीय वंदन, हल्का इसको और आवाज बढ़ाइए, अर्चनी वंदनी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सब इकट्ठा हुए हैं। गुरु शब्द लेते ही गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, गुरु का मतलब भारी वजनदार अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वही गुरु होता है। गुरु ही हमारे जीवन के तारक होते हैं। गुरु कई होते हैं, लेकिन अंतिम गुरु वह गुरु होते हैं जो हमारे मन की पीड़ा, मन की जलन, मन के तपन, मन के राग द्वेष कला कल्पना सब को खत्म कर दे। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और गुरु शिष्य गुरु का सेवा करते हैं, ये नियम है। लेकिन गुरु का शिष्य कितना सेवा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तो शिष्य ही जानेंगे। लेकिन इस दुनिया में ज्यादातर गुरु शिष्य का सेवा कर रहे हैं। और सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। सद्गुरु कबीर जैसे दयालु महात्मा, सद्गुरु कबीर जैसे महान पुरुष कहते हैं, ऐ सुत, ऐ पुत्र, तू मेरी बात मान ले, तय सुत मान हमारी सेवा। मेरी जो सेवा है, मेरी जो राय है, मेरी जो कथन है, मेरी जो आज्ञा है, मेरी जो आदेश है, मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो ज्ञान की कसौटी है, उसको तू मान ले, तो कह राज देव हूं देवा। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसकी बात मान ली, थोड़ी सी बात, तो पूरा अपना राजपाट देने के लिए तैयार हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं तुमको राजपाट सब कुछ दे देता हूँ। अब हम यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो गुरु से जुड़े हैं, और गुरु से जुड़ने के बाद में क्या हम गुरु मुखी हुए हैं, तो क्या हमारा जीवन भी गुरु के अनुकूल होता जा रहा है? अपने आप से पूछेंगे तो कहेंगे, हाँ मैं तो गुरु का शिष्य हूँ। लेकिन जब कसौटी में जाएंगे तो लगेगा, नहीं मैं गुरु का शिष्य नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आज भी मैं गाली देता हूँ, आज भी मैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा अंडा मांस मछली का हमारे घर में सेवन हो रहा है, आज भी मैं काम में क्रोध में लोभ में राग में द्वेष में चिंता में वैमनस्य में जल रहा हूँ, आज भी मेरे अंदर एक जलन एक तपन है, मैं तो सफल नहीं हो पाया, फिर हम गुरु का शिष्य नहीं हो पाया। आज गुरु का शिष्य नहीं हो पाए। गुरु आखिर गुरु कौन है? क्या हम किसी से जुड़ जाए, कोई शिक्षित हो जाए, किसी से दीक्षित हो जाए, उतना ही गुरु? वो तो है ही गुरु। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब सर्वपरि गुरु उसको कहते हैं, जिनके ज्ञान में कर्मकांड ना हो, जिनके ज्ञान में पाखंड ना हो, जिनके ज्ञान में दुख और पीड़ा खत्म हो जाए, जिनके ज्ञान से मन की जलन खत्म हो जाए, वास्तव में सच में गुरु वो है। आप सब कबीर पंथ से जुड़े हैं और यहाँ बैठे सब कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। कितने लोगों के घर में जो एक भी परिवार के सदस्य बच्चे, किसी के यहाँ जो सौभाग्यशाली घर होगा जिसके यहाँ कोई भी बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अंडा मांस मछली नहीं खाते पीते होंगे, कोई कोई घर होगा इस घर में बैठे। आज की पीढ़ी कबीर पंथ को नहीं जानते, आज की पीढ़ी आने वाली गुरु परंपरा को नहीं जानते, इसी का तो परिणाम है यहाँ बैठे उसमें से सब इस पारी डेट लोग बैठे हैं, इस पारी डेट लोग बैठे हैं। इधर माताओं के दल, इधर पुरुष का दल है, कोई यहाँ पर कोई 25 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष के अंदर अंदर एक दो कोई है, बाकी कोई नहीं है।
क्या आपने बच्चों को शिक्षा दे पाया? क्या आप अपने बच्चों को गुरु परंपरा की ओर ले जा रहे हैं? आज की पीढ़ी को जरूरत है सत्संग की, आप लोगों को जरूरत नहीं, आपका जिंदगी खत्म। आपके पास जितना ज्ञान है उसी को जी करके अपने जीवन को सफल आप बना सकते हैं। आप लोगों को जितना सत्संग की जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को जरूरत है। आप अपने बच्चे को क्यों प्रेरणा नहीं देते हैं? और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। आपने सिखलाया कब है उसको? गुरु से जोड़ने का प्रयास कब किए हैं? आप आश्रम में कब ले गए, कब अनाथालय में ले गए, कब वृद्ध आश्रम में ले गए, जहां संत गुरुजन अपने जीवन का निर्माण कैसे करते हैं, खुद को कैसे तराशते हैं। जितना ही किसी चीज को तराशा जाता है उतना उस चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है। सोने को तराशने पर सोने का कीमत बढ़ता है, हीरे को तराशने पर 2 लाख का हीरा 6 से 8 लाख पड़ जाता है। पानी को तराशने के बाद में पानी 20 रुपए लीटर में मिलता है, जिसको आप हजारों लाखों टन पानी ऐसे बहा देते हैं, पानी को तराश देते हैं, पानी का कीमत बढ़ जाता है। जीवन को तराश देते हैं तो कौन बन जाते हैं? बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण कहलाते हैं। क्या हमने जीवन को तराशा है? बस गुरु का शिष्य बन गए, जीवन से कुछ खुरापात नहीं जा रहा है, जीवन से मन के राग और द्वेष नहीं जा रहे हैं, जीवन से बहुत बड़ी बात नहीं, मन की कटुता नहीं जा रही है। वाणी बोल रहे हैं तो करकरे वाणी बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं तो तीखे वाणी बोल रहे हैं, और ऐसे तीखे और कड़वे शब्द बोलते चले जा रहे हैं कि अपने ही बच्चे से आप पराये होते चले जा रहे हैं। आपके ही बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या अपने ही माँ बाप से हम दूर होते चले जा रहे हैं। कौन सी शिक्षा, कौन सी गुरु परंपरा से जुड़े? आप कबीर साहब की पूजा करते हो या ना करते हो, किसी भगवान की पूजा करते हो या ना करते हो, आप लोग यहाँ से जाए तो एक शिक्षा लेकर के जाए। मैं कल भी इस चीज पर मैं प्रकाश डाला था कि कम से कम जो आपका मुख्य गुरु है उनकी पूजा किया करें, जो सर्वप्रथम गुरु है। आपके घर में आरती पूजा होती है नहीं होती है आप जानिए, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, उनके चरणों में मत्था टेकिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, उनके आरती कर लिया करे, कभी त्योहारों में उनके गले में हार चढ़ा लिया करे, कभी त्योहारों में उनको प्रसन्नता के साथ उनको कुछ भेंट कर लिया करे। आपकी संपत्ति नहीं चाहिए बुढ़ापे में, यही तो गुरु की शिक्षा है, यही तो गुरु की देन है। आज भी और राग और द्वेष के चक्कर में पीस रहे हैं, आज भी सास और बहू में टकराहट चल रही है, आज भी बाप और बेटा में टकराहट चल रही है, मतलब हम गुरु से नहीं जुड़े हैं ना, इसका परिणाम तो यही है। आज भी हम कहीं चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ बोल पड़ते हैं, हमारे दांत रंगीले दिख रहे हैं। क्या गुरु के शिष्य होने का पहचान है रंगीले दांत? आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करे तो आपका दांत चमकते होना चाहिए हीरे की तरह। इधर पान भी खा रहे हैं, पान गलगला रहे हैं, थूक भी दे रहे हैं, इधर आशीर्वाद भी दे रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? जीवन को कसिए आप और कर्म कांड से बचिए। सद्गुरु कबीर का पारख सिद्धांत, कुछ लोगों को पारख सिद्धांत से एलर्जी है, पारख सिद्धांत एक अलग से चलाया नहीं गया है, ये सद्गुरु कबीर का पारख सिद्धांत है। कुछ कबीर पंथियों को एलर्जी है पारख सिद्धांत से, और कल महंत आनंद राम साहब जी कह रहे थे कि बीजक से एलर्जी है, एकदम बीजक से बहुत ज्यादा एलर्जी है। मैं कह दूं कि सद्गुरु कबीर का अनुराग सागर उनका नहीं है तो उनको तीखा लग जाएगा, और सच में कबीर साहब का अनुराग सागर नहीं है। अनुराग सागर को इसलिए लाया गया, मैं आज कड़वी बात कह रहा हूँ, अनुराग सागर को इसलिए लाया गया, बीजक को छिपाने का इसलिए प्रयास किया गया, क्योंकि बीजक में कहीं पूजा और महंती व्यास गद्दी नहीं है। बीजक में कहीं पूजा और पाठ की बात नहीं चलती है, पैसा और लेन देन की बात नहीं चलती है। तो क्या किया कबीर पंथियों ने? उसको दबा दिया। कौन से लाया? अनुराग सागर लाया। मैं कड़वी वाणी बोल रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच बात है कि सद्गुरु कबीर का मुख्य रचना, और भी रचनाएं हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर का मूल रचना, मूल है मुख्य बीजक। जो बीजक का अध्ययन करेगा वो जानेगा कि सच में सद्गुरु कबीर की शिक्षा क्या है। सद्गुरु कबीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे शिष्य बन जाओ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बात मतलब उनका ज्ञान की बात है, मेरी बात मतलब उनकी वाणी से निकली वो बातें नहीं, जो ज्ञान की बातें हैं, जिसमें आत्मबोध की बात हो, जिसमें कल्याण की बातें हो, ऐसे बातों को मानेंगे तो उनको राज सिंहासन, राज पाठ सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, क्यों देते हैं? बिना बात माने क्यों देते हैं? क्योंकि उनके प्रति मोह है, लगाव है। लेकिन संत गुरुजन वो नहीं देते हैं, संत गुरुजन उनको वही व्यास गद्दी देते हैं, उनको ही सब कुछ देते हैं जिसका व्यक्तित्व और कर्तित्व अच्छा हो।
इसीलिए आप लोग यहाँ से जाए तो संकल्प भाव से लेकर के जाए, आने वाले पीढ़ी को सत्संग में लाए, आने वाले पीढ़ी को सत्संग की परिभाषा बताए, आने वाले पीढ़ी को गुरु परंपरा की परिभाषा बताए, कबीर साहब का सिद्धांत बताए। कबीर साहब ने कर्मकांड और पाखंड में लोगों को ढकने का प्रयास नहीं किया बल्कि उजागर करते गए, और आप भी उजागर होते जाए तो निश्चित ही आप सबका जीवन सफल होगा। बस अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं इतने ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, अभी हम सब श्रद्धे संत श्री अनिल साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे, और चूंकि समय जितना नजदीक आते जाता है बहुत कम होता जाता है, और मेरी बात भी अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत कम समय के लिए हमारे आदरणीय महंत श्री प्रकाशमणि साहब जी हैं, 5 मिनट समय के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना विचार हम सबके बीच रखेंगे। आइए सर, आपका भी आशीर्वचन के हम सब आकांक्षी हैं। बोलिए श्री सतगुरु कबीर साहब की, आज की आनंद की साहेब बंदगी। बड़ी खुशी की बात है कि आज का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष पर विराजे हुए संत महात्मा गण, भक्तगण, माताओं एवं प्यारे बच्चों, गुरु का ख्याल करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। बिना गुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी बताते हैं गुरु की महिमा, गुरु बिना भाव नहीं देखता रहे न कोई, जो बिरंग शंकर सम होई। तो इस प्रकार गुरु का महिमा है, गुरु के बताए हुए मार्ग को पकड़ना है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोउ खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद से बड़ा गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरु तक पहुंचाने के लिए गोविंद तक पहुंचाने के लिए हमारे गुरुदेव ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को अर्जित करके अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। अभी हमारे महात्मा जी बता रहे थे, जितना इंस्पायरमेंट सभी आए हैं तो बच्चों को संस्कार कहाँ मिलेगा। आज बच्चे टीवी तक फुर्सत नहीं है, टीवी और मोबाइल तक, ना जाने आगे पीढ़ी में कबीर पंथ का क्या हाल होगा। और हजारों महापुरुष के द्वारा वाणी वचनों को सुनते हैं लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है। यहाँ सुने और वहां भग गए, सत्संग में आए एक भी बुराई छोड़ते नहीं है। जितने भी नशीली पदार्थ हैं सबका सेवन कर रहे हैं तो सत्संग से क्या मतलब होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी माह पसान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस्त्र घड़ा नित उठ उठ डाले, ज्यों सूखा की सूखा। हजारों महंतों के द्वारा, हजारों संतों के द्वारा हर समय सत्संग का आनंद लेते हैं लेकिन आपके खोपड़ी में बैठता क्यों नहीं है। जिस प्रकार लाखों बरस तक चकमक पत्थर जल में डूबा रहता है लेकिन ठोकते ही उसमें आग की चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार मनुष्य का खोपड़ी हो गया है, अपने दुर्गुण को हटाता नहीं। जब तक दुर्गुण को हटाएंगे नहीं तो सद्गुण कहाँ आएगा। जितने भी बुराई हैं उसको हटाइए और गुरु के वचन को मानिए। कबीर पंथ में गुरु जी जो बताते हैं उसको मान जाइए, वहां अपना दिमाग मत लगाइए। अन्य जगह के जहां होता है उस जगह अपना दिमाग लगाइए, ब्राह्मणवाद में अपना दिमाग लगाइए, और कबीर पंथ में गुरुजन की बात को स्वीकार कर लीजिए सहर्ष, क्योंकि गुरुजन जो है बहुत तपस्वी होते हैं, उनके द्वारा बोला हुआ एक एक शब्द अमूल्य होता है। तो वहां अपना दिमाग ना लगाइए, सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि कबीर पंथ में भ्रमित नहीं है, भ्रम को हटा करके संत महापुरुष बनते हैं और वही शिक्षा देते हैं जो जाने हैं और जो सीखे हैं। तो इस प्रकार भ्रमित ना रहें,
सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान भ्रम से हटाने के लिए है, भ्रम को पालने के लिए नहीं। हर जगह सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, भ्रमित रहेंगे तो आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और गुरुजनों की आदर, गुरुजी का सम्मान करें और कबीर पंथियों का परिचय दें। आज कबीर पंथियों में, पहले जमाना में कह देते थे कि हम कबीर पंथी हैं और कुछ पूछने की जरूरत नहीं था। आज कबीर पंथियों को भी पूछना पड़ता है कि आप शाकाहारी हो कि नहीं, बहुत दुख की विषय है। तो रोटी बेटी देने के समय बड़ा मुश्किल होता है। कबीर साहब के चित्र को देखते हैं हम तो कहते हैं कि कबीर पंथी है, लेकिन पता लगता है कि सब वो दिखावा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कबीर पंथी पर, जिस कबीर पंथी को सतगुरु की बताए हुए मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सतगुरु के ज्ञान से ही हट जाना चाहिए, ताकि समाज में कबीर पंथ हल्का ना पड़े। दुर्जनों के कारण ही कबीर का ज्ञान हल्का पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हल्की संगत ना करो सब गरुआ पंजाय, पाहन पातर तुमड़ी संग ही चले बहाय। संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर है आठों पहर उपाधि। समय ज्यादा नहीं लूंगा, और महात्मा जी लग हैं और कुछ सुनाता, लेकिन अभी समय कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सतगुरु कबीर साहब की आज की आनंद की साहेब बंदगी। बहुत जोरदार ताली बजाए हमारे परम आदरणीय पूज्य महान साहेब जी के लिए। अब विचार तो ऐसा है कि बैठकर इन ज्ञानों का अर्जन किया जाए तो बहुत ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि हमारा यह एक कार्यक्रम है और यहाँ एक दर्शन ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपके उन विचारों से और आपका स्वरूप का जो दर्शन हम सब कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच भैया माइक नहीं विजय से सानिध्यता जिसका हम पाना चाहते हैं, संत श्री विजय साहेब जी कबीर आश्रम इरई कला से पधारे हैं। आप निवेदन है आपसे कि आप भी अपना विचार हम सब के बीच रखने की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आवाज देना भाई। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, इतना भटकाया है ये जमाना मुझे, जमाना मुझे,
गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। अपने चित्त को, अपने मन को गुरु के प्रति समर्पित कर दें। जी जी। तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है, इस समुंदर में अपना बहाना मुझे, बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। सद्गुरु कहते हैं जो खोजता है ना वही पाता है, जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजी होता है ना वही पाता है। और किस ढंग से पाता है? गहरे पानी पैठ, गहराई में जाना पड़ता है, गोता लगाना होता है ठीक से। जो मोती पाने वाले होते हैं ना, वो डरते नहीं है समुद्र से, गहराई में जाते हैं, गोता लगाते हैं, तब कहीं हाथ में मोती आता है। अगर डर गया, ठिठक गया, तो हाथ में मोती नहीं आ सकता। ऐसे हम लोग क्या खोजते हैं? सत्य खोजते हैं, सुख खोजते हैं, परम सुख, जो कभी घटे ना, जो कभी खोए ना, परम शांति चाहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आएगा? गहरे पानी पैठ, थोड़ा गहराई में गोता लगाना होता है, डूबना होता है ज्ञान में। हम लोग ज्ञान को एकदम उथले स्तर से सुनते हैं, इस कान से सुने उधर से निकाल दें, या कोई कान से सुन के मुंह से निकाल देता है, वक्ता हो जाता है, इससे काम नहीं चलेगा। कान से सुने, दिल में जाने दे, दिल में, तब वो आचरण में आता है। श्रवण, जो हम सुनते हैं ना, उसी का मनन करना होता है। जब गहराई से सुनते हैं ना, ध्यान दे के सुनते हैं, तो उसी का मनन होता है बाद में। और जिस चीज का मनन होता है, गहराई से चिंतन होता है, वही आचरण में आता है। हम लोग आचरण में तो लाना चाहते हैं, लेकिन मनन ही नहीं करते, चिंतन नहीं करते, सुनते हैं वो भी ठीक से नहीं सुनते, तो कहाँ से आए? तो गहरे पानी पैठ, गहराई में जाना होता है। और सुनेंगे तो एकदम फ्री मन से सुने, अपनी धारणाओं को बीच में लाए, अपनी मान्यताओं को बीच में ला करके सुनेंगे ना, तो सुन भी नहीं पाते हैं। शुद्ध श्रोता होकर के सुने। जब धर्मदास साहब ने कबीर साहब को सुना था ना, तो शुद्ध श्रोता होकर सुने थे। इसीलिए उनके जीवन भर की मान्यता धारणा कबीर साहब के वचनों में टूट गया, लेकिन वो परवाह नहीं किए। उन्होंने कहा मुझे सत्य चाहिए बस। उस सत्य को पाने में चाहे मेरी धारणा टूटती हो, मान्यता टूटती हो, लेकिन कोई बात नहीं है, सत्य मुझे मिलना चाहिए। और सत्य की महिमा है, जब सत्य हमारे पास आता है ना, तो चिंगारी की तरह आता है, अंधकार उसमें रह ही नहीं सकता। कितने ही साल का अंधकार गुफा में हो, जाकर के टॉर्च जलाएंगे ना, तुरंत प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि 1000 साल का अंधकार हो तो 1000 साल तक टॉर्च जलाएं तब प्रकाश होगा, ऐसे थोड़ी होता है। 1000 साल का अंधकार, लेकिन टॉर्च जलाते ही प्रकाश वहां हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान कितना ही घना क्यों ना हो, अज्ञान कितना ही पुराना क्यों ना हो, जब ज्ञान की बातें आती है ना, करंट की तरह चुभता है बातें, करंट की तरह। लेकिन बस उसको शुद्ध हृदय से सुनने की आवश्यकता होती है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। और जब कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होकर धर्मदास साहब ने अपनी सारी धारणाओं को तोड़ दिया, मान्यताओं को तोड़ दिया, और अपनी सारी संपत्ति कबीर साहब के चरणों में डाल दिया, पूरा फकीर हो गए, त्यागी हो गए, तब कबीर साहब ने कहा धनी धर्मदास। जब धन था, बाहर का धन, तब तक नहीं कहा धनी धर्मदास, एक बार भी नहीं कहा। लेकिन जब फकीर हो गया, सारे सन सारे धन को चरणों में डाल दिए, तब कहा अब हुए धनी, त्याग के धनी हुए, ज्ञान के धनी हुए, सद्गुण के धनी हुए। हकीकत में धनी ऐसे ही हुआ जाता है। हम लोग धन का मतलब केवल रुपये पैसे सामान सुविधा, इसी को धन समझते हैं। क्या ज्ञान धन नहीं होता?
क्या सद्गुण धन नहीं होता? दया, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, विचार, ये धन नहीं है क्या? सुंदर मन धन नहीं है क्या? अच्छी संगत धन नहीं है? बहुत सारा धन है, लेकिन हम धन का मतलब समझते हैं केवल रुपया, पैसा और सामान, इतना ही धन नहीं है। तो जो भीतरी धन है, जो कभी खोता ना हो, उस धन की खोज में धर्मदास साहब लगे और उसको पाए सद्गुरु के चरणों में बैठ करके। तो कबीर साहब ने कहा अब ये धनी हुए, धनी धर्मदास। तो हम लोगों को भी ऐसे ही धन को पाना है, भीतर का धनी बनना है। और वो ऐसा धन है कि चोर चुरा नहीं सकता, भाई बटा नहीं सकता, ऐसा धन होता है। और एक बार पा लिए सो पा ही लिए, और वही धन हमको तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है। बाहर आप कितने बड़े पद पे प्रतिष्ठित हो जाएं, कितने ही बड़े धनपति हो जाएं, लेकिन लोग बिलबिलाते रहते हैं। देखे होंगे बड़े बड़े धनियों को बिलबिलाते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का धन आ गया, भले वो फकीर है लेकिन बादशाह की तरह रहते हैं, अपनी मस्तानगी में जीते रहते हैं। तो ऐसे धन को सबको पाने की आवश्यकता है। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं तो बपुरी हूँ, डरती रहती हूँ, डरता रहता हूँ, और इसीलिए वजह से मैं गहराई में गोता लगा नहीं पाता। शांति के लिए गहरे होना पड़ता है। हमारे यहाँ जो सबसे गहरा महासागर है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रशांत। जो गहरा हो जाता है वही प्रशांत हो जाता है। तो असल में हम अगर गहराई में जाएंगे ना, डुबकी लगाएंगे ना ज्ञान में, तो हकीकत में शांति हमारे पास आएगा ही, बस गहरे होने की आवश्यकता है। अभी कई संतों से हम लोग सुन रहे थे कि आजकल ज्ञान का महत्व नहीं समझ रहे हैं। कबीरपंथी घर के बच्चों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं, दो दोहा नहीं आता उनको, दो साखी नहीं आता, चौपाई नहीं आता, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोगों को ना एक तो आचरण से दिखाना होगा, आचरण से, कि ज्ञान से ये फायदा होता है। हम लोग भी ज्ञान सुने तो जाते हैं, 10 साल 20 साल हो जाता है, लेकिन रहते हैं जहाँ के तहाँ, तो उसका हमारे बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ता। अरे हमारे पापा भी जाते हैं, दादा भी जाते हैं, लेकिन है तो जहाँ के तहाँ है, झूठ वही बोलते हैं, गलती वही करते हैं, चंचलता वही है, हर चीज वही, तो उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती ज्ञान की। हकीकत में आपके ज्ञान से उनको दिखना चाहिए। आप जाते हैं 10 साल से सत्संग में ना, तो रूपांतरित जो आप हुए हैं वो उनको दिखाई देना चाहिए, तो उनको आशा होगी कि हाँ ज्ञान का ये मतलब होता है, ये फायदा होता है। तो हमको आचरण से दिखाना होगा, और आचरण तभी आएगा जब ज्ञान को सही ढंग से सुनेंगे, सिद्धांत को सही रूप से जानेंगे। अधकचरा सिद्धांत दिमाग में रख करके पूर्णता हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कबीर साहब को जो खरा सिद्धांत है ना, निर्णय वाणी है, उसको ठीक से जानने की आवश्यकता है, और अपनी जो धारणा है, मान्यता है, उसको लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मान्यताओं को भी जाँचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। कबीर साहब का ज्ञान पारख ज्ञान, पारख मतलब जो परखना जानता हो, जो तौलता हो, मैं अभी तक जो धारणा बनाया हुआ हूँ, मान्यता बनाया हुआ, वो सही है कि नहीं, वो कहाँ तक सही है, अपने को भी जांचना है, दूसरे को भी जांचना है। जब जांचते रहेंगे ना, तो सत्य का मोती हमारे हाथ में आएगा। इसलिए पारख ज्ञान को, अपने सही सिद्धांत को ठीक से समझने की आवश्यकता है, तभी हम सबको सच्चा लाभ मिलेगा। साहब ने कहा जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सज्जनों, देवियों, अभी हम सब श्रद्धे संत श्री विजय साहेब की कबीर आश्रम इरई कला की सानिध्यता प्राप्त कर रहे थे। बड़ा ही खुशी का समय है कि आज के इस गुरु पूर्णिम के अवसर पर कबीर आश्रम परिसर में राजनांदगांव नगर पालिक निगम की महापौर और प्रथम नागरिक श्रीमती हेमा देशमुख जी हमारे बीच विराजमान हैं। मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन पूरे समाज की ओर से करता हूं। इसी तरह श्रीमती माया शर्मा महिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की अध्यक्ष हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। फिर भी इस कड़ी को मैं परंपरा के रूप में देखना चाहता हूं, और हमारे श्री केडी साहू जी कबीर आश्रम परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन आदरणीय महापौर जी की करेंगे पुष्प गुच्छ भेंट करके। इसी कड़ी में श्रीमती नंदिनी साहू जी,
ग्राम सुंदरा से आपसे अनुरोध है कि आप आए और महापौर जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प भेंट कर करें। श्रीमती दुखन साहू से निवेदन है कि आप आए और महापौर जी का स्वागत अभिनंदन करें और हमारे साथ ही माया शर्मा जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। अच्छा, श्रीमती रेवती बाई से निवेदन है कि आप आए और आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय महापौर जी का स्वागत अभिनंदन करें। एक नाम है ना, तो समझीन के नाम लग ले और आइए भाई, इस स्वागत अभिनंदन की कड़ी को हम यहीं विराम देते हैं और पूरे समाज की ओर से जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में दो शब्द आशीर्वाद के रूप में आप हम सबको संबोधित करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, गुरु पूर्णिमा के अवसर है, यहाँ गुरु विराजमान है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताओ। यहाँ पे उपस्थित हमर साहेब मल्ला गुरु मल्ला प्रणाम करत हूँ। और यहाँ हमर जो महिला बहनी भाई मन है सब लोग ये कहना चाहते हो, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर है, बहुत ही शुभ दिन। कबीर साहब बोलते अगर ईश्वर के पास जाना है तो पहले आप गुरु ल प्रणाम करो तभी ऊपर जा सकते हो, बाकी फिर मार्ग नहीं तो नहीं मिले। मोर साथ आए हुए साथी है माया शर्मा जी, यहाँ बैठे महेश भाई, वैष्णव जी, के डी जी, साहु जी और हमारे यहाँ उपस्थित सब वो जम्मो हमर दीदी भाई मन। कबीर साहब के थे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है हो। और ये शाश्वत सत्य है, हम जो जीवन में रहथन जब खुशी आते तो उत्सव मनाथन सब करथन, किन ईश्वर के प्रार्थना भूल जाथन, लेकिन दुख आही तो सब काम छोड़ के सबसे पहले भगवान ना मनाए चल दे। जब दुख में याद कर सुख में का बने, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर की दोहा के अगर हम अर्थ निकालत चले जाए तो वाकई जीवन में कर्म प्रधान सत्य के रास्ता पे चले सिखाए है कबीर साहब। और कबीर साहब के रास्ता में जो चल गए वाकई हम सब वो रास्ता में चलकर मोक्ष की दिशा में काम करना शुरू कर दे। लेकिन जीवन तो मोह माया से भरे है और अतका भरे है कि हम सब वो रास्ता में जा के भी नहीं जा सकें, लेकिन जीवन पथ में कुछ समय निकाल के अगर गुरु के संदेश सुन लें तो वाकई जीवन सफल हो जाइए। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगा तो ये तन को तो जाना ही है मिट्टी में, माध्यम कोई भी हो। अतका सुंदर वाणी कबीर साहब के, ये सांसारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज साहेब मन के मुख से, मुखारविंद से आप मल्ल ऐसी ही वाणी सुनी मिलत है और माहौल बहुत थोड़ा सा अनुभव मिलिस आप मन के बीच आए के मौका मिलिस। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर है तो गुरु ल प्रणाम करत हुए वाणी विराम करत हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं परम आदरणीय महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी। आप अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर हमारे बीच आए, हम आपका बड़ा ही कृतज्ञता जाहिर करते हैं। और जब भी समय यदि मिले आपको तो निश्चित ही इस आश्रम में आपका आगमन होता रहे, ऐसी हमारी भावना है।
आपको पा करके हम बड़े ही गदगद हुए हैं और हमें बहुत ही खुशी और प्रसन्नता हुई है। आपके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए इस कार्यक्रम को अब गति प्रदान करते हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार विदाई में जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे महापौर जी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस संत समाज की ओर से, और आपका आगमन हमारे लिए एक बड़ा प्रशस्त मार्ग प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आए अब इस कार्यक्रम को एक अंतिम प्रारूप की ओर हम बढ़ रहे हैं, अंतिम कड़ी देने जा रहे हैं और साहेब जी को, साहेब जी का आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, बहुत देर हो गया, नंदिनी बहन से निवेदन करता हूं कि एक भजन, एक गीत हमारे पास रखेंगी, तत्पश्चात हम साहेब जी को करने दो। किसको? अच्छा आज 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 हमारा दिन है, आप लोगों का नहीं, आज का दिन तो हमारा ही है, हम दावे के साथ कहते हैं भाई गुरु पूर्णिमा हमारा है। साहेबंदगी साहेब, बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव नजारे हैं। जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं। भक्ति के पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण रज शीश लगाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर आजमाना है यहाँ पर आजमा कर देखो, मुकद्दर आजमाना है यहाँ पर आजमा कर देखो। ये पल में भी बदल देंगे किस्मत तुम्हारे आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। साहेब बंदगी साहेब। भाई इतना बढ़िया गीत हमने सुना, भजन सुना, और इतनी कम ताली में कैसे काम चलेगा। नंदिनी बहन के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा कि ये गीत का बोल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है। बहारों फूल, हाँ इसका है, और जो इसका फिल्म का नाम बता देगा उसे 50 रुपए संचालक मंच की ओर से पुरस्कार आप लोगों की तरफ से। पहले बताया आप, थोड़ी बताएंगे भाई थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहे तो अच्छा लगता है, इसलिए
आप लोग बता सकते हैं? नहीं, चलो नंबर खत्म हो गया। चलिए आप लोग बताएं, बताइएगा। नीलकमल का है? नहीं नहीं भाई। अच्छा और कोई? 50 रुपए लेना है तो। अच्छा चलिए भाई, अब केडी की किस्मत में ही लिखा है तो हम क्या करेंगे। चलिए केडी भाई बताएंगे। हाँ बिल्कुल भाई, ऊपर रखा हूँ तब बात कर रहा हूँ। सरस्वती चंद्र का गीत है। नहीं नहीं, ये शायद भी नहीं है। नहीं नहीं, हाँ फिल्म का नाम नहीं। आप हमारे केडी जी बता रहे हैं। हाँ क्या? अरे हो रहा है ना, होगा ना भाई, अब इसमें नहीं हड़बड़ी करने से नहीं बनता भाई। अभी 2:30 बजे 3 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ चलेगा चलेगा, होगा होगा। चलिए ठीक है भाई, कुछ तो करना पड़ता है। नहीं नहीं, टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है। चलिए, नहीं बता पाए हो वो भी, चलो 50 बज गया मेरा। चलो मेरे लिए भी ताली बजा दो जोरदार। हाँ तो अब आए अंतिम पुष्प के रूप में परम श्रद्धे श्री गुरु जतन साहेब जी, कबीर आश्रम सकरी। सकरी मतलब वो सकेला वाला नहीं, गांव का नाम सकरी है। सकरी आश्रम से आप पधारे हुए हैं। परम श्रद्धे साहेब जी के श्री चरणों में त्रैवार बंदगी के साथ निवेदन है कि आप अपना गहन गंभीर विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करेंगे। वंदाओ सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जा सुकृपा दिन करन करी भ्रमतम दे तन साय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बंधनी संत समाज, उपस्थित निर्शीर विवेकी भक्त सज्जनों, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ी ही सौभाग्य के विषय है और वरदान भी मिला है। किसको मिला है? राजनांदगांव क्षेत्र में संत श्री योगेंद्र साहेब का तपस्थली जगह है, भूमि है, उसका दिया हुआ यह आश्रम है। उन्होंने अपना जीवन को इस आश्रम में रह करके यहां पर पत्थर रखा है, जिस पत्थर को कहा जाता है कबीर स्तंभ। और इस आश्रम को, इस भूमि को निर्माण में उन्होंने अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दिया और अल्प आयु में सदा के लिए चले गए। लेकिन अपने पीछे इस जगह को कबीर आश्रम के रूप में विख्यात करके गए, या उनके तपस्थली जगह है। आप सब ध्यान रखिए, उनके जाने के बाद भी यह आश्रम में अंधकार नहीं है, सदैव प्रकाश से प्रकाशित है। यहां पर जो संत रहते हैं पूरा प्रकाश कर रही है, कहीं जाती नहीं है, आश्रम में ही रहती है। लेकिन पता नहीं धन का स्रोत कहां से आता है और इतने लोगों के लिए
जल और भोजन और आवास का व्यवस्था भी करती है। निश्चित ही योगेंद्र साहब का आशीर्वचन आशीर्वाद उन लोगों पर उतर आया है। आप सब इस आश्रम को जितने भी लोग आए हैं सब जान लीजिए हमारा गुरु आश्रम है, ये हमारा गुरु आश्रम है। आप सब इस आश्रम में आकर के तन से मन से वचन से धन से सेवा करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करते रहें, अपने भविष्य का निर्माण। अकेला ही नहीं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों पीढ़ी के लोग को लेकर के आइए। भविष्य कहते हैं नन्हे मुन्ने बाल बच्चों को, भविष्य पीढ़ी भविष्य निधि है। वर्तमान पीढ़ी है बेटा और बहू है। भूत पीढ़ी है जाने वाले दादी और दादा है। सब लोग आकर के यहाँ अपने जीवन को अपने भाग्य को सराहना करें। हमारे लिए यह आश्रम एक तीर्थ आश्रम बन गया, कल्याण के भूमिका बन गई। ऐसे जगह में आप सब आए हैं आज वर्तमान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। कितने संतों का दर्शन और वाणी भी हम सबको मिल रहा है। किसके बल पर? उन यहाँ पर रहने वाले संतों के माध्यम से, साध्वियों के माध्यम से। तो आइए सदगुरु कबीर ने क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम कबीर के कहलाते हैं, वास्तव हम कबीर के अनुयायी हैं कि नहीं है हम अपने को तराशें। सदगुरु कबीर के बीजक के माध्यम से, उनके कबीर के शाखी शब्द रमणी के माध्यम से हम अध्ययन करें और तराशें अपने को। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। गुरु की कही हुए रास्ता पर कोई नहीं चल रहा है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। अमहल और महल से तात्पर्य है, अमहल कहते हैं विरक्त विरक्त भेषधारियों को, जो गुरु और संत के रूप में हमारे सामने में आते हैं और उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्या वे गुरुजन? सतगुरु कबीर कह रहे हैं, अमहल हे भेषधारियों हो गुरु महंतों संतों, क्या मेरे बातों को तुम मान रहे हो कि नहीं हो? तुम अपने को तराशो। गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। और महल महल कहते हैं गृहस्थों को। गृहस्थ लोग भी जैसे अभी हम संतों के माध्यम से सुने हैं कि कबीर के कहलाते हैं, कबीरपंथी कहलाते हैं, लेकिन वे भी दीवाना बन करके हम अनेकों के घर में जाते हैं, देखते हैं वहां पर एक पूजा स्थल बनाया गया है, पूजा स्थल बनाया गया है। उस पूजा स्थल में देवी दुर्गा भी है,
काली भवानी भी है, शिव और पार्वती भी है, अपने गुरु में विश्वास नहीं है, अपने गुरु के कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? एक साध्वी ने अभी दुर्ग भिलाई में कही, साहब ये हमारे आश्रम में हमारे घर में एक बार तो आइए, एक बार तो आइए, तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा मेरा घर तो दुर्ग में है। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा घर, तुम साध्वी हो और घर दुर्ग बताते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा हृदय में है। तुम्हारा घर को तुम लेकर के चल रही हो। तुम्हारा घर सुंदरा में नहीं है, पारी में नहीं है, राजनांदगांव में नहीं है। तुम्हारा घर, असली घर कहाँ है? तुम्हारा हृदय में है। हृदय कबीरा तेरो घर कंदला में या जग रहत भुलाना। तुम्हारा घर कहाँ है? कंदला में। कंदला कहते हैं कंदरा को, कंदरा कहते हैं गुफा को। गुफा कहाँ है? तुम्हारा हृदय गुफा है, हृदय गुफा है, वही तुम्हारा घर है, असली घर। और हम नकली घर के पीछे लगे हैं और नकली परिवार के पीछे लगे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 कहते कहते हमारे दादा बाबा परपाजा सब पूरा पुराने पीढ़ी सब चले गए। और जिसको कहते थे वे है मेरा है, वो सब यहीं पड़ा है। आज वर्तमान में हमारे माता पिता कहते हैं ये सब मेरा है, वे भी लबरा है, वे भी छोड़ के जाएगा। आज बेटा बहू नाती नतनी कहते मेरा है, वे भी छोड़ के जाएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा क्या है? असली तुम्हारा है तुम्हारी आत्मा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये पांच तत्वों का है। मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केर बहुत है साजी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग किन प्रतिपाला। कामिन कहे मोर पिहुआही, बागिन रूप गिरासा चाही। सूत्र कलत्र रहे लौ लाई, यम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध तो मरण विचारे, सीकर स्वांदो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं इतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोहि मिल जाई, अरे पवन कहे संगले उड़ाई। तेही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाओ। चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। क्या तेरा है, कौन तेरा है? आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर के विचारों पर, बीजक के शाखी शब्द रमैनी पर अध्ययन करें, चिंतन करें, मेरा कौन है, कहाँ है, क्या चीज है। जो जान जाएगा वही असली संत है, वही भक्त है, वही महंत है, वही गुरु है। ये कौन कह रहे हैं? सदगुरु कबीर कह रहे हैं। सदगुरु कबीर, कबीरा तेरो घर कंदला में या जग रहत। कबीरा, कबीर कह रहे हैं, कबीरा। कबीरा कौन है? संसार के हम भटके हुए जीव हैं, वो कबीरा है। और कबीर कौन है? जो हमारे बोधदाता बीजक की रचना करने वाले जो हमारे उपास्य है सदगुरु कबीर, वो कबीर है। और कबीरा ये संसार के भटके हुए जीव है, प्राणी है। इस जिस साखी में, जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं, इसमें पांच बार कबीर है, अंतिम में कबीर है, अपने नाम का छाप दिया है। और चार बार संसार के जीवों को बताया है, कबीरा तेरो घर कंदला में। हे कबीरा, हे संसार के जीवो, तुम्हारा घर कहाँ है? कंदला में। कंदला कहते हैं गुफा, हृदय गुफा में। उसमें चित्त को जोड़ो, कुछ समय ध्यान करो, अपने में ध्यान करो। प्राणी और पदार्थों में हम ध्यान देते हैं, वो तुम्हारा नहीं है।
कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाएगी भी तुझको यह भी नहीं जो जरूरी है। दो गज जमीन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये इतना बड़ा रोड से लेकर के वहां तक जहां तक घेरा है संत श्री योगेंद्र साहेब ने खरीदा है, 7 एकड़ जमीन, 7-8 एकड़ जमीन, लेकिन उसको कितना जमीन मिला, बस मात्र 2 गज मिला है। यहाँ पर 2 गज जमीन में वहां पर समाधि लगा दिया गया। कौन समाज के लोग, वो उनका है, वो अभी उनका नहीं, वो तो हंस उड़ गया, काया को कहाँ छोड़े, बाहर रखते हैं तो गंधाएगा और चींटी और कीड़े मकोड़ों की सियार कुत्ता बिल्ली खाएगा। इसलिए उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज जमीन 5 हाथ गड्ढा खोद करके डाल दिया गया उस शरीर में। 2 गज जमीन ही मिल पाया। और किसी का दुर्घटना में मौत हो जाती तो आग में जल करके राख हो जाता है, भभूत बन जाता है। 2 गज कौन का है, एक मुट्ठी राख भी नहीं मिलता है, वायु में उड़ जाता है। क्या मेरा है, क्या तेरा है, कौन मेरा है, का पत्नी मेरी है, पति मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, कौन मेरा है। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाएगी भी तुझको यह भी नहीं जरूरी। 2 गज जमीन भी मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए संतो जागो अब भई भोर, बहुतक सोए जन्म सिराए, यहाँ नहीं कोई तोर, यहाँ नहीं कोई तोर। आजकल में मौत होना पक्का है, पक्का है, बिल्कुल पक्का है। इसे मौत का याद करो और गुरु के ध्यान करके प्राणी और पदार्थ जो मिला है उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, दादी दादा के सेवा करो, माता पिता के सेवा करो, पति और पत्नी में सुंदर त्याग भावना से रह करके जीवन को सार्थक बनाओ। संतान आ गया है, संतान को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा प्रेरणा मिले, ऐसे माता पिता को कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, गलत संस्कार ना हो। और अपना जीवन को पूर्ण निर्मल करके इस संसार से विदा लो। एक भक्त थे, वो शिक्षक भी थे, गुरूर के रहने वाले बालोद जिला के, उन्होंने अपने शिक्षित परिवार, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, सबको बैठा करके और खुद शिक्षक थे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ऐसे इस पद को गाते गाते उनका प्राण पखेरु उड़ गया और उच्च श्रेणी के शिक्षक थे। तो हमारा क्या है, कौन है। इसलिए गुरु के, सदगुरु कबीर के और पहुंचे हुए वर्तमान के गुरु के कहा हुए हम बातों को माने, चिंतन करें और विचार करें, मेरा कौन है, मेरा क्या है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत बुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, यह अमहल महल दीवाना, सब दीवाना बन करके भटक रहे हैं। नर हरि लाग दो विकार बिनु इंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरस सकल संसारा। हे नर हरि में लगो, हरि कहाँ है, कहीं विष्णु हरि नहीं है, ऊपर कोई परमात्मा हरि नहीं है, हरि कहाँ है, अपनी आत्मा तुम्हारी आत्मा है। सद्गुरु कबीर कहते नर हरि लाग, हे नर हे प्राणियों, हरि में लगो, आत्मा में लगो, आत्म चिंतन करो। नर हरि लाग दौ विकार बिनु अंदर, तुम्हारे अंदर में दवाग्नि लगी है, उसका कोई बाहर विकार नहीं है, वो तो आग लगी है, तुम्हारे द्वारा ही लगी है। मैं जानो तो ही से व्यापय जरस सकल संसारा, और उसी आग से सारे संसार के प्राणी भी जल रहा है, जल रहे हैं। क्यों, क्योंकि मिले ना बुझावन हारा, आज तक तुम्हारे बुझाने वाले कोई गुरु नहीं मिला,
और जिस गुरु के पीछे भटक रहे हो वो गुरु भी तड़प रहे हैं। कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझे, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है। एक एक भक्त थे, उनका एक ही संतान था, संतान खत्म हो गया अचानक, कोरोना पीरियड में खत्म हो गया। बहुत सुंदर बालक था, 3 साल का बालक था। उस पुत्र के मोह में पिता हरदम पागल बन करके खाना पीना छोड़ दिया, तड़पता रहता था, हा बेटा हा बेटा हा बेटा है। लोगों ने उसे सलाह दिया कि इनको इनके गुरु आश्रम में ले जाओ, इनके गुरु आश्रम में ले जाओ, गुरु ने गुरु है उनको शिक्षा देगा, उपदेश देगा, ज्ञान देगा, उनके मोह को दूर करेगा, गुरु आश्रम में ले जाओ। गुरु आश्रम को उसको ले जाया गया, गया पूछा गया, गुरु महाराज कहाँ है भाई इनका? उन्होंने लोगों ने बताया कि गुरु महाराज 1 महीना के लिए, 1 माह के लिए वो अज्ञातवास है घर में, लेकिन किसी से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? उसका एक जवान बेटा था, शादी भर हुई थी, बहू आई थी, लेकिन पति और पत्नी में मिलन भी नहीं हुआ था, और अचानक वह बेटा खत्म हो गया। तो गुरु है वो अपना पुत्र के मोह में एकांत में अकेले में पड़ा रहता है, किसी से बोलता नहीं। तो गुरु कौन है? गुरु खुद ही मोह में पागल बन करके छटपटा रहा है, तो शिष्य के मोह को कैसे छुड़ाएगा? इसलिए सद्गुरु कबीर कहते, हे नर हरि में लगो, आत्मा में लगो, आत्मा ही तुम्हारा है, कुछ भी नहीं ये तेरा, आत्मा ही तेरा है। नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तू ही से व्यापय जरा सकल संसारा। बुझाने वाले सद्गुरु कबीर के जो असली सिद्धांत है, आत्मज्ञान है, वह तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम बीजक तो रखते हैं, बीजक सद्गुरु कबीर का ये बीजक है, रखे हैं जेब में रखे हैं, लेकिन इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, किसी गुरुजनों के पास जा करके उसका भेद नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर करते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट भेद बुझे, पानी में पावक भरे अंधी आंख न सूझे, है कोई इस संसार में यहाँ इस सभा में गुरु ज्ञानी? गुरु ज्ञाते कहते आत्म ज्ञानी कोई है? यदि है तो जगत से पीठ दे दे और आत्म तत्व को पूछे, मैं कौन हूँ? क्यों जगत उलट भेद बुझे, पानी में पावक भरे अंधी आंख न सूझे, पानी में पावक आग धधक रही है, लेकिन अंधों के आंख से सूझ नहीं रहा है। एक आदमी अभी दौड़ते दौड़ते आया यहाँ पर, आकर के सत्संग हो रहा है, यहाँ पर बताया, साहेब जी क्या हुआ? अरे भंडार घर में भोजन बन रहा है पब्लिक के लिए, वहां पर एक भंडारी है, उसका पैर जल गया है। किसमें जला? पानी में जल गया। अरे पानी में नहीं जलता किसी का पैर, तो किसमें जला है? पानी में आग के अंश समाया है, पानी खौल रहा था, उसमें चावल पड़ना था, चावल पड़ने बाकी रहा, और अंधन जो है बटलोही गिर गया, गिरने से पैर जल गया। किसमें जला है? उस पानी में आग के अंश समाया है, लेकिन वह आग धधक रही थी, आग है धधक रही थी, उस आग में वह पानी गया खोलते हुए पानी, तो धधकते हुए पानी आग को पानी बुझा दिया। कौन से पानी बुझाया है? वह शीतल पानी, उस पानी में शीतलता है। यदि आग होता पानी में तो आग को जलाता नहीं, पैर को जलाया चमड़ी को। पानी में पावक भरे अंधी आंख न सूझे, पानी में
वैसे ही सबके आत्मा शीतल आत्मा है, शीतल आत्मा है। लेकिन गुरु न मिलने के कारण से, गुरु न मिलने के कारण से हम ये सबको अपना मानते हैं, ये मेरा ये मेरा है? और मोह में, ममता में, राग में, द्वेष में हम भटक रहे हैं। कौन मेरा है? अपने आत्मा को भूल करके हम प्राणी और पदार्थों को मेरा कहते हैं, इसलिए हम जल रहे हैं। शीतल आत्मा तप्त रहा है, पीड़ित है, तड़फ रहा है। एक दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, पड़ा रहेगा और प्राण वायु निकल जाएगा और आत्मा अपने में आप शांत हो जाएगा। उस आत्मा को जाने और आत्मा में चित्त को जोड़े। मैं शुद्ध आत्मा हूं। सभी लोग दो मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, बिल्कुल स्थिर आसन से बैठ करके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए दो मिनट मात्र। भीड़ आदमी का है और आदमी अकेला है, अकेले पने का अनुभव करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। यह शरीर जड़कर जल करके राख हो गया है, यह शरीर मिट्टी में मिल गई है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूं। मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आंखें खोल लीजिए। अभी तक आप केवल शुद्ध आत्मा थे, अकेला थे। अब शरीर दिखने लगा, संत भक्त नर नारी दिखने लगा, भीड़ दिखाई दे रहा। लेकिन जब आंख बंद करके आत्म अनुभूति कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। अकेले हंस आत्मा, उसी में हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। बीजक के शब्द में है, हरिजन गुरुजन हंस दशा लेकर के डोलते हैं, संसार में विचरण करते हैं और निर्मल नाम चुन चुन करके बोलते हैं। स्वयं अपना जीवन को तराशते हैं, क्या मैं साधु हूं, क्या मैं महंत हूं, क्या मैं भक्त हूं। अपने को हम तराशे, उसका लक्षण क्या है, मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं। मैं संत हूं, संत का भेष है, लोग मुझे गुरु कहते हैं, क्या मैं गुरु पद में आसीन हो चुका हूं। मैं अपने में चिंतन करूं, यदि आसीन नहीं हूं तो गुरु कबीर के विचारों के अनुसार मैं अपने को तराशूं, अपने को संवारूं, मैं पीछे ना हटूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाने का तात्पर्य है, सच्चे सदगुरु कबीर के विचारों के अनुसार चलें और मनन चिंतन करें। ये शरीर भी नाशवान है, प्राणी और पदार्थ मिले हैं, आज है कल नहीं रहेगा, मौत होना पक्का है। इसलिए अपने आत्मा पर दया करो, आत्मा पर। ये आत्मा संसार में फिर से भटकने न पड़े, न पावे
और अपने आप में मुक्त हो जाए, उसके लिए निर्मोहता को प्राप्त कर लो। निर्मोहता कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समुझ मन बौरा हो। हे मन बौरा, इस संसार के नेह मोह तुम्हें जलाने वाला है, इसलिए इसका मोह को जला डालो। तुम्हारे फंसने के लिए जाल है जाल, इसे जाल को जला डालो। आज अवसर मिला है, जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समिझ मन बौरा हो। हे मन बौरा, अच्छी तरह से समझ ले, विचार कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए अपने आप का अभ्यास करो। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु कबीर कह रहे हैं। जारो जक्का नेहरा, कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, जिस वही उबर सकता है जिसके मन में धन का लोभ ना हो और प्राणी का मोह ना हो, वही संसार से उबर सकता है। हम लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दृढ़ संकल्प लेकर के, आज संकल्प दिवस है, संकल्प लेकर के यहाँ से चलें और अपने अपने जीवन को तराशें और सद्गुरु कबीर के विचारों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग सच्चे भक्त बने, सच्चे संत बने, सच्चे गुरु बने, और अपने आप को क्या हम पूजा के योग्य हैं कि नहीं है, अपने को तराशें। यदि नहीं है तो होने की कोशिश करें। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को मेरा हृदय से शुभकामना मंगल कामना है। संत का भेष हम सबका है, हंस का भेष है, हम बगुला बन करके अपने जीवन को बर्बाद न करें, हंस ही हंस हो करके रहें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए साहेब बंदगी साहेब। सज्जनों देवियों, अभी हम सब परम सद्य संत श्री गुरु जतन साहेब जी कबीर आश्रम सकरी के अमृत वाणी से आप्लावित हो रहे थे। और आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत अस्कट आ गए होगा। नहीं अस्कटा हो, एक कनौ बैठू थोड़ी देर के लिए, कष्ट के लिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे आप लोग बहुत तपस्वी हैं जो करीब 12 बजे के पहले से बैठे हुए हैं, और अब कार्यक्रम अंतिम दिशा की ओर बढ़ रही है। हम तभी संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भक्त समाज की ओर से एक सज्जन आए हुए हैं जो मचान पार से हैं और वयोवृद्ध हैं, और उनके विचार और उनका भी दर्शन सुनना हम सबको मैं आवश्यक महसूस कर रहा हूँ। इसलिए बहुत कम समय है, और इसलिए आप, हाँ, गुरु पूजा का समय है, आपका आशीर्वाद ही चाहिए हमको, तो आप कुछ बोले यहाँ करके। आवाज बाहर रहेगा। हेलो हेलो
वंदे बोधमयं नित्यं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वतिसाक्षीभूतलं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुतं नमः सद्गुरुतं नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यहाँ पर विराजमान सभी संत महात्माओं और कबीर आश्रम सुंदरा में जो पंथाचार्य हैं, आचार्यगण हैं, देवियाँ हैं, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, साज बिना हर राग अधूरा लगता है, साज बिना हर राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है। साज बिना हर राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है, आंखों में आंसू बिना सद्गुरु से अनुराग अधूरा लगता है, आंखों में आंसू बिना सद्गुरु से अनुराग अधूरा लगता है। जिनको सद्गुरु ना मिला, जिनको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल हो चौदी से धाय। हमारी स्थिति कैसा है, मानव तन में मानव तनधारी जीव आत्मा की स्थिति क्या है? बहुत बड़े मेला मराई है, बच्चा माँ बाप के उंगली छुड़ा करके इस जगत के मेला लगा है ना, माँ बाप की उंगली छुड़ा के देखने बैठ जाता है। और माँ बाप बच्चे को ढूंढते हैं, बच्चा माँ बाप को ढूंढता है, वही स्थिति है। ये नश्वर प्राणी पदार्थ संसार में जब हम अलग हो गए, घर से अलग हो गए, तो हमें घर कौन बताएगा? और जब हम जिस तरह से व्याकुल बच्चा व्याकुल होकर के रोता है माँ बाप से अलग होकर, मेले में भीड़ में खो जाने के बाद बच्चा जब व्याकुल होता है ना अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, वही स्थिति हम सब जीवात्मा की है। इसलिए बोलना पड़ा कि साज बिना राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है, और आंखों में आंसू बिना सतगुरु से अनुराग अधूरा। जिस तरह से बच्चा व्याकुल हो करके जब ढूंढता है, वही है। गा सकूं नगमा आपका वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं नगमा आपका वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, पर हे सदगुरु हो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, पर हो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। भैया सदगुरु के प्रति आप लोगों के अंदर में दो बात में छोड़ के जा रहा हूँ, समय मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास भी नहीं है, समय का अभाव है। दो जिज्ञासा आप लोगों में मैं डाल के जा रहा हूँ, उस जिज्ञासा को शांत अगर चाहेंगे तो मेरे को सेवा करने का मौका दें। सत्य मात्र सत्य तक के सीमित नहीं रहना है, सिर्फ सत्य 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 क्या सत्य, सत्य तक सीमित नहीं रहना है, सत्य के ऊपर भी जाना है। और सत्य के ऊपर क्या है जिज्ञासा आप लोग जानना है, उसको सत्य के ऊपर क्या, गुरु 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 तक सीमित नहीं रहना है, गुरु से भी ऊपर है, गुरु से ऊपर कौन है इसको जानना है, सत्य के ऊपर कौन है उसको जानना है। सत्य के ऊपर भी है उसके लिए भी सत्य, गुरु के ऊपर भी कोई है उसके लिए भी सत्य। तो गुरु से कैसे जुड़े, गुरु से कैसे जुड़े हम, केवल बांधा था चरणों के पखार से, केवल बांधा था चरणों के पखार से, सबरी बांधी थी वेदों के आचार से,
कुब्जा बांधी थी फूलों की हार से, मीरा बांधी थी तबूरे की तार से, और द्रौपदी बांधी थी धागों की तार से, द्रौपदी बांधी थी धागों की तार से, और मीरा बांधी थी तंबूरे की तार। पर हे सदगुरु, पर हे सदगुरु, मैं बांधता हूँ आपको, हे सदगुरु मैं बांधता हूँ आपको आंसुओं की धार से, आंसुओं की धार से। तेरे याद में रोने का जो किस्सा है, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है, वो इस उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। तेरे याद में रोने का जो किस्सा है, वो इस उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। धन चोरी हो गया, बेटा बेटी में अलग हो गए, पद प्रतिष्ठा अलग, उसके लिए हम रोते हैं, धन संपत्ति के लिए रोते हैं, सद्गुरु के लिए कभी रोए, सद्गुरु के लिए कभी रोए, अपनी दशा, अपनी दशा पर कभी रोए, नहीं रोते। तो हे सदगुरु मैं बांधता हूँ आपको आंसुओं की धार से, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है, वो इस उम्र का एक बेहतरीन किस्सा है। याद है आबाद है, याद है आबाद है, याद बिन बर्बाद है, याद बिन सब बर्बाद। तो भैया जरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब के प्रति, सदगुरु कबीर साहब को याद करते हुए, सदगुरु कबीर साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, सदगुरु कबीर साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित है, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित है। जग परम सत्य का संदेश आप जग को दिए, परम सत्य का संदेश आप जग को दिए हैं, कर सका कोई नहीं वैसा आप किया, कर सका कोई नहीं वैसा आप किया है। आप मुलाजे में न करना बातें सीखी सदगुरु कभी से, आप मुलाजे में न करना बातें सीखी, कह दिए सच सच भले वो लगे तीखी। व्यक्तित्व भी आपका था ऐसा निराला, सत्य की रहनी आपकी थी अनोखी, सत्य की रहनी आपकी थी अनोखी, इसलिए कह सके आप बातें चौकी। व्यक्तित्व भी ऐसा था आपका निराला, जिस पर रीझ कर सभी ने दृष्टि डाला, केवल निर्गुणी ही नहीं वैष्णव वैरागी भी आपके सद्ज्ञान के रहे दया भागी। सांप्रदायिक धुन जितने छटेंगे उतने ही निज निकट होंगे हम आपके, और जितने दिन बीते उतने ही प्यारे लगेंगे आप हम सबके। कस्तूरी कुंडल बसे आपने बताया, कस्तूरी कुंडल बसे आपने बताया, अपने में ही मस्त होना आपने सिखाया, अपने में ही मस्त होना आपने सिखाया, और जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली। ए सदगुरु जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली, किस तरह से दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़, और दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर का ठौर। तो हे सदगुरु जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली, और कर दिए जीवन में विश्रांति निराली। तो जन्म जन्मांतर की प्यास हुई तर्पित, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर की प्यास हुई तर्पित, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन समर्पित। बोलिए सदगुरु देव की जय। के साथ में अपनी वाणी को विराम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आप इस उम्र में हम सबके बीच आकर के आज की पवित्र पावन मेला में अपना उद्गार हम सबको प्रकाशित किए, और हम बहुत आपके आभारी हैं। और अब गुरु पूजा होगी, उसके पहले आभार के लिए मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के
आयोजक इस आश्रम के प्रमुख परम श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहेब जी मंच पर विराजमान हैं। निवेदन है कि आप बहुत कम समय में अपनी बात रख करके आभार व्यक्त करेंगे। रख दो। बोलिए सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माताएं बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा के उत्सव में हम सब एकत्र हुए हैं और गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और संतों की वाणियों को भी हम श्रवण कर रहे हैं। ये अंतिम बेला है कार्यक्रम का, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। इसके पूर्व एक भजन सुनते हैं। गुरु से कर मेल गुमारा, क्या सोचा तबारम बारा, गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारम बारा, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जब पार उतर जय भव पारा तब छूटे यह संसारा, जब पार उतर जय भव पारा तब छूटे यह संसारा, गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारम बारा, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ ते पाई, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ ते पाई, गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारम बारा, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशा जाई, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशा जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला, गुरु से कर मेल गवारा, क्या
सोचत बारंबार। कहे कबीर मने करनी वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर मने करनी वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठी न छूटे ताते पकरी पकरी यम लूटे। कतरनी की गांठी न छूटे ताते पकरी पकरी यम लूटे। गुरु से कर मेल गमारा क्या सोचत बारंबार। गुरु से कर मेल गवारा क्या सोचत बारंबार। गुरु से कर मेल गवारा क्या सोचत बारंबार। आप सब कबीर आश्रम गुरु पूर्णिमा की शोभा बढ़ाए। हमारे संत गुरु परम श्रद्धे संत श्री साहेब जी बहुत दूर से आए हैं, यहां से रायपुर के उस पार भी कबीर आश्रम सकरी से मेरे मोबाइल के माध्यम से बातें हुई और सहज रूप से यह कार्यक्रम को स्वीकार लिए। आपके प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे आसपास के कबीर आश्रमों से पधारे हुए हैं, कबीर आश्रम उरला से संत श्री पूर्णेंद्र साहब जी पधारे हुए हैं, हमारे बहुत निकट है, बहुत दुख सुख में साथ देते हैं, हमेशा उनसे बातचीत होती रहती है, कभी जमात में भी घूमने को मौका मिलता रहता है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। वैसे ही हमारे कबीर आश्रम इराई कला से पधारे हुए हैं संत श्री ओंकार साहेब जी, आप बहुत अति साधुवाद आपने बहुत दूर से आए और अपने वाणी वचनों से हमारे भक्त सज्जनों को अवगत कराया। हमारे बीच और अनेक ऐसे संत हैं जो बहुत दूर से आए हैं, उसको भी साधुवाद। कबीर आश्रम सकरी से पधारे हुए संत अखिलेंद्र साहेब जी, आपने बड़ी क्रांति ढंग से प्रवचन किए और गुरु पूर्णिमा के एक महत्व को बताते हुए हमें अप्लावित किए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर अनेक महात्माओं को हम नाम से तो जानता नहीं हूँ, लेकिन है बहुत अच्छे ढंग से वक्तव्य दिए और भक्तों को अवगत कराया। हमारे सेक्टर भिलाई से पधारे हुए हैं महान श्री अनंत राम जी, आप सदैव कबीर विचारों के प्रचार प्रचारक हैं, आप सदैव आप लगे रहते हैं। जब से मैं देखता हूं तो आप सदैव हमारे कार्यक्रम में पहुंचते रहते हैं और इस प्रकार से भजन और प्रवचन से हमें अवगत कराते रहते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हमारे मुभट्टा से आए हुए महान जी बड़े पारखी हैं, है तो महंत हैं, चौंका करते हैं, लेकिन उसके विचार पारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, हमेशा विचार ऐसे क्रांतिकारी देते रहते हैं। सच कबीर की जो विचारों को प्रचार करते हैं वह धन्य है, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे कबीर आश्रम
मूरा से पधारे हुए हैं सुसाध्वी सुप्रिया साहब जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद हमारे आश्रम में पधारें और सत्संग की शोभा बढ़ाएं। ऐसी ही हमारे बीच कबीर आसपास सुंदरा पारिकला दूरदराज से आवे भक्त भी हैं हमारे बीच। पारिकला से केडी साहू जो हमेशा हमारे बीच रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, वैसे उसी गांव के पारिकला से हमारे श्री कपूर दास जी भी बड़े ही विनम्र भक्त हैं जो हमें बराबर साथ देते रहते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंचते रहते हैं। कभी कभी वह आश्रम भी टहलने आते हैं तो हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। बहुत 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 साधुवाद। ऐसे ही हमारे बीच पारिकला से संतोष श्री संतोष दास जी भी बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे आश्रम की देखभाल करते हैं, हमेशा सुख दुख में पूछते रहते हैं। वैसे सुंदरा में रहने वाले हमारे बीच श्री चैन साहू जी भी बड़े ही अच्छे ढंग से पेश आते हैं और इस प्रकार से आश्रम के कार्य में भी सहभागी बनते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुंदरा से हमें बहुत ऐसे लोग हैं जिसका तो नाम नहीं जानता हूं, लेकिन बराबर सहयोग देते रहते हैं। हमारे बीच श्री नीलेश साहू जी बड़े ही कर्मठ महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के परम भगत हैं जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में साथ देते हैं। कबीर जयंती में भी बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दिए थे और अपने साथियों को भी सहयोग करने के लिए अवगत कराए, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। हमारे सुंदरा में एक 28 साल का युवा जिसका नाम श्री धन्नु साहू है, वह हमारे आश्रम में मेंबर की तरह काम करते हैं। सदा कुछ काम पड़ता है, बुलाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। उसका घर शायद निकट में है, बहुत करीब है, आश्रम से लगा हुआ है। उसको मैं साधुवाद देता हूँ, हर कार्य में सहयोग करते हैं। यहाँ पारिकला के जो निवास है ना, यहाँ उस बच्चे लोग बहुत सुबह से शाम रात तक सहयोग करते हैं। अभी देखना पारस करेंगे तो बच्चे लोग ही अच्छे ढंग से करते हैं और सीख भी गए हैं, उसको सिखाया गया है। हमेशा यहाँ आश्रम में रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे बीच अनेक ऐसे भगत हैं जो सदैव हमारे साथ सहयोगी बनते हैं। संत लोग तो निमंत्रण देने से तो आते ही हैं, लेकिन भक्त लोग का आना बहुत जरूरी है। बिना भक्त के ये सत्संग का शोभा अशोभनीय है। यदि हम इस सत्संग को करना चाहे तो 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन भक्त लोग नहीं आए हैं तो क्या करते, बड़ी दिक्कत है। 10 बजे का समय दिया है और आप लोग 12 बजे पहुंच रहे हैं तो क्या होगा। आपका आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। भक्तों के बिना सत्संग अधूरा है। महात्मा क्या करेगा अकेले बोलते हुए, है ना। इसलिए आप लोगों की जरूरी है बिल्कुल टाइम फिक्स पर पहुंचने की कोशिश करें। तो जल्दी सो जाता, आज 3:30 बज रहा है, ये 3:30 नहीं बजता, 2-2:30 बजे तक खत्म हो जाता, लेकिन आप लोगों के कारण ये देरी हुई है। बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए कहीं भी सत्संग होता है तो टाइम से पहुंचने की कोशिश करें ताकि हम सबको दिक्कत ना हो। लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों के प्रति जो कि सत्संग में शोभा बढ़ाए हैं। आपके बिना ये सत्संग अधूरा है, इस बात को महसूस करें।
और समय से आने की कोशिश करें तो हम लोगों को बहुत सुख सुविधा मिलेगा। ठीक, तो मैं अधिक न कहते हुए यही है कि आप लोग सदैव सत्संग में आते रहिए, ऐसे भीड़ बढ़ाते रहिए, एक नहीं 10-10 लोगों को लेकर आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। बिना सत्संग के हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्संग से जीवन का रंग बदलता है, जीवन में सुख मिलता है, सत्संग के अभाव में दुख बढ़ता है, इसलिए बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग का महत्व हम लोग संतों के सुविचारों से हम सुन रहे हैं। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याद, ओछी संगत गुर की आठों पहर उपाद। तो आप लोग सत्संग में आकर शोभा बढ़ाए, मैं संत और भक्तों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा ही आकर इस सत्संग का शोभा बढ़ाते रहे और हम लोगों को साथ देते रहे। और इस आश्रम कबीर आश्रम सुंदरा के जितने भी संत साधु है, सहयोगी है, उसको आशीर्वाद मिलता रहे। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले शत्रुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब साहेब साहेब। आत्मानुरागी भाइयों बहनों, अभी हम सब आश्रम की प्रभारी श्री जितेंद्र साहब जी के विचार से अप्लावित हो रहे थे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए श्री होरीदास जी पारी से हैं, उनके द्वारा 200 रुपये का सहयोग मिला है। महापौर हेमा देशमुख जी आई थी अभी हमारे बीच, उनके माध्यम से भी हमको 1500 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजा दें। और भागवत साहू जी जिला साहू समाज के अध्यक्ष हैं, आपके ओर से भी 500 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है ऐसा पता चला है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब गुरु पूजा, संतों की पूजा का समय हो चला है और हम सब मैं चाहता हूं कि संत गुरुजनों की पूजा आरती करें, तत्पश्चात कार्यक्रम समापन होगा और उसके पश्चात भोजन होगा। अब भोजन प्राप्त करके ही आप सब लोग प्रस्थान करेंगे, तो आए हम सब पूजा के लिए तैयारी करें। और केडी भाई आइएगा आप लोग, और कौन कौन लोग बुलाना है, ठीक कौन कौन लोग एक सूचना है, जो अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ना, जो विचार सुन रहे हैं, वह विचार अनिल साहब YouTube में वो पूरी तरह से आप लोगों को सत्संग सुनने को मिलेगा। और ये YouTube अभी बना रहे हैं ना वीडियो, वो जो है अनिल साहब YouTube में आप सबको मिल जाएगा, है ना। सर्च कर लीजिए अनिल साहब YouTube, जैसे YouTube में लिखेंगे अनिल साहब ना, पूरा फट से आ जाएगा, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए, इसी कार्यक्रम को हम पुनः YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। ठीक साहेब बंदगी साहेब। आइए अब हम सब पूजा शुरू करें। YouTube चैनल का नाम है अनिल साहेब, आप YouTube चैनल सर्च करेंगे या कहीं पर गूगल क्रोम पर YouTube पर कहीं भी तो अनिल साहब लिखेंगे, YouTube चैनल का नाम है, तो वहाँ पर सभी संतों का विचार, सदगुरु अभिलाष साहब का, पूज्य धर्मेंद्र साहब जी का, पूज्य गुरुभूषण साहब जी का और साध्वी संतों का सबका विचार उसमें मिलेगा। करीब करीब उसमें 3500 प्रवचन हैं, आप लोग उसमें सर्च करें आपको मिल जाएगा, किसी भी मोबाइल पर नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक हो गया। कहते हैं
अच्छा पूजा का आगे पानी गिर रहा है भजन के लिए तो बोला।